ये बिल्कुल बड़ी दुखी बात है कि त्रिपुरा में मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में कुछ गलत सलत कुछ कहा गया कुछ लोगों ने, मगर जो है इसका दुख जो है जो लोगों को पहुंचा और उसके कारण जो है हम लोग देख रहे हैं कि मोर्चे निकल रहे हैं। और फिर आपको तो पता है कि मोर्चे निकलते हैं तो निकलते तो ठीक है, मगर उसको कंट्रोल में रखना जो है बड़ा कठिन होता है। मालेगांव में भी जो है कुछ घटना घटी है, कुछ कई जगह जो है पथराव हुआ है, पुलिस वहाँ पहुँची है। मैं सारे लोगों को जो है ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि इस 125 करोड़ के अपने देश में जो है कुछ लोग जो है जानबूझकर ये हिंदू मुस्लिम झगड़ा बढ़ता रहे और शांति निर्माण करने की कोशिश करते हैं। हमको उनके इस प्लान में इस जंगल में नहीं फंसना चाहिए। आज आप देख रहे हैं कि इतना सारा संकट पहले ही जो है कोरोना का जो है इस दुनिया भर में आया, अपने देश में भी आया, कई सारे जो है लोगों की जो है दुकानें बंद, मकानें जो है रोजगार गए, और अब वहाँ से हम लोग उभरने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें जो है ऐसी बातें अगर होती है और शांति फैलती है तो फिर से वही ये बंद वो बंद वो बंद, लोगों को तकलीफ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार अपना काम करेगी, जिसने कुछ गलत सलत कुछ भी बोला है उसके बारे में कार्रवाई की जाएगी, उसके लिए कानून है, कोर्ट है। और बाकी आप लोग जो है किसी भी अफवाह के ऊपर भरोसा ना रखें। कोई कहता है कि ये प्रार्थना स्थल जलाया गया, कोई बोलता है वो प्रार्थना स्थल जला, हम जब पूछते हैं तो कुछ भी नहीं है। तो कुछ ताकतें जो है जो चाहती हैं कि ये झगड़ा बढ़ता रहे हिंदू मुस्लिमों का, वो ऐसी अफवाहें देते हैं जो है फैलाते हैं, और उसका बहुत बुरा असर जो है जनजीवन पर होता है।